एक साल है, उनकी फॉरेन एजुकेशन के लिए अग्रवाल साहब 4,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं SIP के थ्रू, और वो ये जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा इक्विटी फंड होगा जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 15 साल में वो एक अच्छा रिटर्न कमाएं। तो 4 × 12 48,000 रुपये वो साल लगाना चाहते हैं अगले 15 साल के लिए एक अच्छे इक्विटी फंड में, ताकि उनकी जो डॉटर हैं जिनकी उम्र अभी 1 साल है, उनकी फॉरेन एजुकेशन के लिए पैसा जमा हो। बहुत ही बेहतरीन आपकी सोच है अग्रवाल साहब, और सिंह साहब इस पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। जी, काफ़ी अच्छा है। वैसे तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स भी हैं, लेकिन उससे बेटर फंड्स अवेलेबल है आपको मल्टी कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। तो जैसे अभी जो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो 4,000 अपनी बेटी के लिए लगा रहे हैं, तो उसको डाइवर्सीफाई करके रखेंगे तो 1,000 वो 4 फंड में लगा सकते हैं। वो है एक्सेस ब्लू चिप में लगा सकते हैं, जो कि एक लार्ज कैप फंड है। UTI इक्विटी फंड में लगा सकते हैं, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल 30 मिड कैप, जो कि एक मिड कैप फंड है, चूँकि ड्यूरेशन लंबा है इसलिए एक मिड कैप फंड ले रहे हैं। और मल्टी कैप है एक पराग पारे, एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, वो भी काफ़ी अच्छा मल्टी कैप फंड है। तो 2 मल्टी कैप, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, इसमें वो 1,000 लगाएंगे तो उनका एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट होगा। जी चलिए, आपको फंड के नाम पता चल गए, एक्सिस ब्लू चिप फंड, UTI इक्विटी फंड। हर एक में आप जो 4 फंड्स बताए गए हैं उनमें 1,000 रुपये का आप SIP लगाएं, और अगर 15 साल तक आप लगाएंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न बनेगा। बाकी 2 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 और पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी। अग्रवाल साहब, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करना चाहते हों, खासकर उनकी फॉरन एजुकेशन के लिए, वो भी इन फंड्स के नाम नोट कर रहे होंगे, जिनमें आप एक अच्छा SIP लगा सकते हैं लंबी अवधि के लिए। अजय पारिक साहब हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। पारिक साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो आप लगाना चाहते हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। अजय जी, गुड इवनिंग सर जी। मेरा क्वेश्चन है सर कि सर जो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डिविडेंड में 31 पैसा डिविडेंड यूनिट में आता है, अभी वो कंटिन्यूस रहेगा ड्यू टू दिस सिचुएशन ऑफ मार्केट सिचुएशन, पहला मेरा क्वेश्चन है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है जी, सिंह साहब आप समझ पाए, इनका एक डिविडेंड पे आउट आता है मंथली 0.3। जी, मैं समझ गया। जी हाँ जी, तो बताइए क्या राय है उसमें। अगर आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड डिविडेंड की जो ये बात कर रहे हैं, तो अभी वो 21 तारीख को HDFC AMC ने एक नोटिस निकाला जिसमें कि 31 पैसे की जगह 23 पैसा दे रहे हैं, और उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 27 अप्रैल का है। तो ये कभी भी जाकर के AMC के साइट पे जाकर के नोटिस में वो देख सकते हैं कि डिक्लेयर हो रहा है कि नहीं, और जब भी ये नोटिस होता है, इशू होता है, वो रिकॉर्ड डेट से पहले ही हो जाता है, तो आपको एडवांस में पता रहता है किस दिन का रिकॉर्ड डेट है। तो 31 पैसे की जगह अभी उनके पास 23 पैसे का उसको डिविडेंड मिल गया। तो ये राय आपको उनकी वेबसाइट पर पता चलेगी, 27 अप्रैल सन 2020 उसके रिकॉर्ड डेट है, और तब आप उनकी वेबसाइट पर पारिक साहब चेक कर सकते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। चलिए, अहमदाबाद बाई तरफ है और कलकत्ता है दाई तरफ हमारे मैप पर। नवनीता दे जी जुड़ चुकी हैं, उन्होंने पैसे लगाए हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में और ICICI प्रो के म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर मंथली डिविडेंड पे आउट ऑप्शन मिलता है। नवनीता जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है। हाँ, मेरे ख्याल से उनका फ़ोन कट चुका है, लेकिन हम लोग दोबारा चेष्टा करेंगे उनसे जुड़ने की। तब तक मैं सिंह साहब आपको ये सवाल पढ़ के बता देता हूँ। नवनीता जी ये जानना चाह रही हैं कि क्या प्रोसेस है जिससे ये पता चल जाए कि जो म्यूचुअल फंड AMCs डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं वो उन्हें उसका उन्हें ज्ञान हो, और वो ये जानना चाहती हैं कि ये जो 2 फंड्स हैं जिनका उन्होंने अभी नाम नहीं दिया, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, क्या वो डिविडेंड इस महीने देंगे या नहीं देंगे। जी, जैसे कि अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि जितने भी AMCs होते हैं उनको
वो नोटिस निकालते हैं कि वो डिविडेंड देने वाले हैं और कितने डिविडेंड देने वाले हैं, और वो नोटिस नहीं निकालते क्योंकि ये जो डिविडेंड है वो सब्जेक्ट टू क्या उनके पास कितना सरप्लस अवेलेबल है उसके हिसाब से वो देते हैं। तो डिपेंडिंग अपन मार्केट कंडीशंस वो हो ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड दे लेकिन थोड़ा कम डिविडेंड दे। तो इसको ध्यान देते हुए साइट पे अगर पीएमसी की साइट पे जाकर के नोटिस में आप उनको सर्च करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस स्कीम में कितना डिविडेंड मिलने वाला है और क्या रिकॉर्ड डेट है, अकॉर्डिंगली आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो हटा दिया गया है और ये सारा का सारा अभी वो इन्वेस्टर के दिया गया कि इन्वेस्टर के लगे हैं। तो डेट फंड्स में तो ठीक जी 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 सिंह साहब, हमेशा की तरह इस हेल्पलाइन का जो समय है वो सिर्फ 22-23 मिनट है और सवालों का ताता खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये शो हमें यहीं निपटाना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न भेजे आप हमें भेजते रहिए, जब अगले हफ्ते यही